7 तारीख को ये जामो में घटना हुई थी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से पीड़ित व्यक्ति 2,49,000 रुपये लेकर गया और कुछ दूरी जाकर उसने मेडिकल स्टोर पर अपनी बाइक रोकी और बाइक रोककर कोई दवाई खरीदने लगा, तो पीछे से एक आदमी रेकी करता हुआ आया और सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी कैद हो गया, जिसमें वो चाबी लगाकर उसकी डिक्की से वो बैग निकालता है पैसों वाला, और जैसे ही वो बैग निकालता है वो इशारा करता है, एक बाइक सामने से आती है और उस बाइक पर बैठकर वो चला जाता है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करते करते और इनके मॉडल्स ऑपरेंडी को ध्यान में रख के हम लोगों ने जब इस पर छानबीन शुरू की तो पता चला कि ये गोंडा के रहने वाले लोग हैं और ये 4-5 लोग हैं इस तरह से जो गैंग की तरह से काम करते हैं। इनका मेन मॉडल्स ऑपरेंडी यही रहता है कि ये तो जो बैंक से कैश निकाल के लेके आता है उसके साथ या तो ये यारी दोस्ती बनाकर टप्पेबाजी करते हैं या फिर इसी तरह से सुनसान जगह ले जाकर चोरी करते हैं। लूट के मुकदमे इन लोगों के ऊपर अभी तक तस्दीक नहीं हुए हैं और ये अंतर जनपदीय गैंग के फॉर्म में काम करते हैं। अभी हम लोगों ने 4 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं, जिसमें जो बाइक का ड्राइवर था और जो बाइक घटना में प्रयोग हुई थी वो दोनों हमारे कब्जे में आ गए हैं। रविंदर उर्फ बबलू जो है जो बाइक चला रहा था और उसके 3 साथी प्रदीप, रामस्वरूप और रघुवीर, तीनों लोग अरेस्ट हुए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज में बाइकर के पीछे जो ब्लू जैकेट वाला आदमी है जिसने बैग निकाला था और चाबी से डिक्की खोली थी, वो आदमी भी आइडेंटिफाई हो गया, उसका नाम राजेश है और वो अभी फरार है, उसके लिए टीम लगी है गिरफ्तारी के लिए। ये सभी लोग गोंडा के रहने वाले हैं और इनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो हम लोगों ने तस्दीक किया है और इस पर हम लोग आगे भी बड़ी कार्रवाई।